जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। आज इस वीडियोज़ में आप लोग को बताने वाले हैं एक बच्चे का सफ़र कि कैसे एक गरीब घर का बच्चा एक अपने आप को जुनून किया और लगन के साथ मेहनत करते करते और इन्होंने SSC GD को पार किया और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर, जो बच्चे का कैपेसिटी नहीं था अच्छे मार्क्स लाने के, और ये भी कैपेसिटी अच्छे मार्क्स लाकर असम राइफल में अभी इनकी जॉब हुई है। क्या क्या इनको समस्याएं हुई, क्या क्या किन किन बातों पे इनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा, आज सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आपको देने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अनअकैडमी पे जीरो लेवल से आप लोगों का क्लासेस हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है मेरे भाई, जीरो लेवल से बैक टू बैक क्लासेस हो रहा है। कैसे आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है, फ्री एंड कॉस्ट हो रहा है। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है क्लासेस लेने का, फ्री एंड कॉस्ट, जहाँ पे आप 1,000, 500, 200 रुपये खर्च करके आप क्लासेस लेते हैं, इससे बेहतर ही क्लास आपको मिलेगा। आप एक बार क्लास लेके देखिए, चैप्टर वाइज मिल रहा है मेरे भाई। आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना, आप एक बार कंस्टेंट होकर किसी एक टीचर्स को फॉलो करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे ही फॉलो करिए, लेकिन आप क्या करें, चेकआउट कर सकते हैं ना कि भैया सर कैसे पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। तो प्लीज़ अनअकैडमी पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर रेफरल कोड मांगेगा भैया फ्री एंड कॉस्ट, तो डिफेंस 93 यूज करिए, ठीक है। चलते हैं वीडियोज़ में मेरे भाई। अभी एक छोटा सा स्टोरी आपको बताने वाले हैं कि सभी ने आप लोग 8 जनवरी 1970 की बात मैं बताता हूँ, आज से करीबन बहुत साल पहले। और ब्रूस ली बहुत नामी इंसान थे, आपको भी पता होगा कि अब हम लोग जानते हैं, लेकिन उस टाइम इसको संजीव क्रेंसकर के नाम से जाना जाता था और इसे लोग नहीं जानते थे। और इसने अपने आप में एक चीज़ ठाना कि भैया मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, करना है तो करना है बस। तो इसने क्या किया, अपने आप को एक लेटर लिखा, अपने आप को इसने लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा कि ये 10 साल मुझे क्या करना है, ये 10 साल मुझे क्या करना है और इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स इस लेटर में लिख रखा। और उसने क्या किया, ये लेटर खुद अपने को ही भेजा। लेटर मतलब अब पोस्ट ऑफिस चला गया और पोस्ट ऑफिस बोला अपना ही एड्रेस देके फिर मंगवाया। और ये लेटर में सारा डिटेल्स लिखा था कि कौन सा टाइम में क्या करना है, कैसे शेड्यूल्स करना है मेरे दोस्त। 10 साल इतना बेहतरीन मेहनत किया, 10 साल तो छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 3 साल के बाद 4th साल में इसको रिजल्ट मिला। और वेनॉल्ट ऑफ द ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस मूवी, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, और ये मेहनत का रंग लाया मेरे दोस्त। तो इसी के स्टोरी आधारित पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो इसको एक क्या कहते हैं, जबरदस्त, मतलब क्या होता है कि रणनीति के साथ करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ये इतना बेहतरीन मेहनत नहीं कर पाते, आधा अधूरा मेहनत करते असफल हो जाते हैं। तो असफल होने का एक पीछे रणनीति बताते हैं कैसे होता है। मैं इस लड़के को दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये लड़का मेरा खुद का एक अपना कज़न ब्रदर है, कज़न ब्रदर भी नहीं बोलते तो भैया दूर का रिश्ते में भाई बोले। और इसे मिला, मुझे मिला पिछले 2018 के सेशंस में उसने मेरे को मिला। और इसकी हाइट तकरीबन मैं बता देता हूँ मेरे भाई, कम से कम भी तो 85 और 90 केजी का वेट था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इस बच्चे के अंदर 170 हाइट भी नहीं था, पूरा 170 पूरा हाइट भी नहीं होता था। इसके अंदर जुनून था कि मुझे देश का सेवा करना है। इसने बैक टू बैक, इसकी अगर मैं रनिंग की बात करूं तो ये रनिंग मैं आपको बता देता हूं कि मेरे दोस्त ये 200 मीटर भी दौड़ना मुश्किल था, 200 मीटर 300 मीटर भी दौड़ नहीं पाता था, थक जाता था। और पढ़ाई में तो ठीक था लेकिन इतना बेहतरी नहीं कर सकते जितना अच्छा से वो मार्क्स लाया, जितना मेहनत किया वो। कैसे किया, सारी मोटिवेशन मेरे द्वारा दिया गया था। और हर एक पीछे मेडिकल्स में बात करें तो बहुत सारी खामियां, इसका फ्लैट फूट, नौकनी, बहुत सारी ऐसी मेडिकल्स में जो अनफिट होने के लायक और हर चीज़ों के प्रति ये डिमोटिवेट हो गया था। यार तुम जा ही नहीं सकता, तुम कभी सेना में भर्ती हो ही नहीं सकता, कभी देश का रक्षा कर ही नहीं सकता तुम। बार बार बाहर के बाहर लोग इसको बोलने लगे। पता है बाहर की बातों क्यों नहीं सुनना चाहिए या आरी दोस्ती लोगों को क्यों नहीं रखनी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, जब किसी की मृत्यु होती ना, और मैं आपको पहले भी बोला था कि मेरे दोस्त अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा दोस्त और आपके सबसे बच्चा को चाहने वाला होता है तो आपके घर वाले होते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान डेथ करता है ना तो उसके सब जब निकलती है ना तो बाहर वाले लोग पता है क्या बोलते हैं चुपके में, और कितना लेट है। पता है क्यों, क्योंकि इसे तो आपको जाने का मतलब है मेरे दोस्त। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं, सिर्फ आपके परिवार ही आपके प्रति कुछ संजोग सोच सकते हैं। और दुनिया आपकी सिर्फ तो सिर्फ खिलवाड़ कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। इस दुनिया को पीछे छोड़ो और अपने आप को आगे लेके चलो। अपने आप को कैसे लेके चलना है इस बच्चे से सीखा जा सकता है। ये बच्चा दिन रात मेहनत करके, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इसको एक ही चीज़ मोटिवेट किया हूं कि बच्चा तुम जो करोगे वो कोई नहीं कर सकता। और इसने बैक टू बैक मेहनत करता रहा। और मैं फाइनल बता देता हूं मेरे दोस्त, जब इस बच्चे का रिजल्ट हुआ तो इसकी खुशी
खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब रही बात भैया कि हाइट का और इसकी रनिंग का, भैया हाइट और रनिंग के पीछे मेरी मेहनत रही, वो और बच्चा खुद भी मेहनत रहा। देखिए एक टीचर गाइड कर सकता है, बच्चा खुद मेहनत करता है अपने आप को परफॉर्मेंस देने के लिए। इसने इतना मेहनत किया, दिन दोपहर कुछ नहीं किया, पूरा जबरदस्त किया मेरे दोस्त, रनिंग क्वालिफाई करके आया। देखिए कितनी बेहतरीन सी बात है। और हाइट से लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मैं हाइट का भी एक्सरसाइज कराता रहा और देखिए प्रॉपर इसका A171 सेंटीमीटर की हाइट नपी भी। और मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का नॉकनी, फ्लैट फूट सारे एक्सरसाइज कराकर इसके सारी जितनी भी समस्याएं थी वो सारे ठीक करा दिए। बल्कि मैं ये भी मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्त कि इसने रीमेडिकल भी नहीं किया, डायरेक्टली वहीं फिट हो गया। आज असम राइफल में जॉब कर रहा है, ज़्यादा मार्क्स नहीं लाया था, 68 नंबर लाया था वो, असम राइफल में तैनात है वो बच्चा। आपको एक सोचने वाली हैरान वाली बात है कि एक छोटे से गांव का लड़का आज इतना मेहनत किया, कहीं कोई क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, खुद से मेहनत किया, जो कंटेंट हम लोग देते रहे, जो जो हम गाइड किए भैया ये पढ़ो वो पढ़ो, आज वो अच्छा रिजल्ट लाके फाइनल वो जॉब पे है। कितने ऐसे बच्चे, एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करीबन एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो 100 ऐसे बच्चों को मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस कॉल कॉन्फ्रेंस में कि कैसे मैं ऐसे उन लोगों को ट्रीट किया हूँ और कैसे मोटिवेट करके आज इन्होंने जॉब किया। कहीं पढ़े कहीं और नहीं, कहीं नहीं पढ़ा मेरे दोस्त, सिर्फ अपने आप में जुनून लाया और ये जुनून इसको जॉब तक लेके गया। और ये जुनून आपके अंदर जरूरी है, जब तक आप अपने जुनून नहीं भर पाइएगा आप 100% सेलेक्शन नहीं पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। लिख लेना, चाहे दुनिया की ब्रांड से ब्रांड कोचिंग में क्यों ना पढ़ लो। आप लोग बोलते हो ना कि मैं ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, मेरे दोस्त कोर्स नहीं रिजल्ट दे सकता, ना ही आपका सिलेक्शन दिला सकता है मेरे भाई। यूट्यूब पे तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, मेरे कोर्स ले लो, मेरे कोर्स ले लो, मेरे भाई कोर्स मत लो। मैं बता देता हूँ कोर्स मत लो, इन्हें खुद नहीं पता कि SSC GD के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्हें खुद नहीं पता। क्या पूछो कि SSC GD कभी बैठे हो? SSC GD वही बच्चा आपको बता सकता है जो बच्चा एग्जाम में बैठा हो, और वो बच्चा आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है जो एक अच्छे टीचर्स हो। ठीक है, मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ कि किसी कोर्स को खरीदने से पहले 20 बार सोच लेना कि आपकी कितनी औकात है। अपने माँ बाप के पैसों से अपनी औकात को झांक रहे हो, अपनी औकात झांक के देखो कि आपकी औकात कितनी है मेरे दोस्त। फ्री एंड कॉस्ट मिलती है, इसकी पूजा करो, फ्री एंड कॉस्ट को गाइड करो, फ्री एंड कॉस्ट की चीज़ें देखो। और अगर कुछ नहीं करना तो प्रीवियस ईयर के चार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं गारंटी भी लेता हूँ जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना उस दिन मुकेश सर से मिलने आना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ नहीं करना, पढ़ाई लिखाई दुनिया छोड़ दो। जिन टीचरों से आपका जो जिस भी चैनल आपका प्रीवियस ईयर करा रहा है सिर्फ इस चैनल से विजिट करिए और बस कुछ नहीं करिए, फालतू की चीज़ मत पढ़िए। जो चीज़ वो पढ़ा रहा है ना वो आपको खुद भी पता है, जो चीज़ वो पढ़ा रहा है वो आपको खुद पता है, लेकिन प्रीवियस ईयर को देखने की कोशिश करिए। इससे आपकी एक मोटिवेट क्या मिलेगा मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। कितने ऐसे बच्चे तमाम बोलते हैं सर क्वेश्चन का लेवल यही आएगा, क्वेश्चन का लेवल यही आएगा। मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से आपको ये लेवल पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल कितना है। मैं गारंटी लेता हूं कमजोर से कमजोर भी बच्चा के एग्जाम में बैठ जाए ना तो वो भी 40 नंबर उठा के लाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत कितना करना है तो 30% 40% मेहनत करना है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना मेरे दोस्त। एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर, जुनून। आप अगर आपके अंदर जुनून है तो आप बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। आप कहीं कोर्सेज खरीद रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे रहिए और घर पे सिर्फ अपनी एक टाइम टेबल बनाइए कि भैया 4 घंटा पढ़ना है, इसमें 2 घंटा मुझे प्रीवियस ईयर में देना है और ये 2 घंटा हमको क्या करना है भैया, तो इसको एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन को कैसे बनेगा और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मुकेश सर से मिलने आना कि सर मेरी गारंटी मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ। तमाम ऐसे बच्चे को मोटिवेट किया हूँ और आज जॉब में है। और अगर ऐसी रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ऐसी वीडियो भी ला के दिखाऊंगा कि कितने ऐसे बच्चे जो मेरे मोटिवेशन से इन्होंने जॉब लिया है और कहीं कोई क्लासेस नहीं लिया, खुद को सेल्फ स्टडी दिया और खुद को प्रिपेयर किया और आज वो फाइनल सेलेक्टेड किया। 2018 वाला सेशन में करीबन 40 ऐसे बच्चे होंगे जो फ्री एंड कॉस्ट कहीं क्लासेस नहीं किया, सिर्फ मेरी वीडियोस को देखता रहा। और मेरे ये जरूरी नहीं कि मेरी ही वीडियोस देखा, मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पे प्रीवियस ईयर कराए गए और इसी से मेहनत करके आज इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो आप जुनून सिर्फ अपने अंदर डालिए कि मुझे ये करना है। जैसे ब्रूस ली ने 10 साल का पाई चार्ट बनाया था ना मेरे दोस्त, आप पाई चार्ट सिर्फ 4 महीने का बनाइए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले एग्जाम होते हैं तो पहले एग्जाम तो क्लियर करिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के पहले आपको कितने मेहनत लगाने पड़ेंगे, कितने मेहनत करने पड़ेंगे, ये आप रणनीति अपनाइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। प्लीज अगर आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ नहीं हो तो प्लीज जुड़ जाइए, अनअकैडमी में फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस होते हैं मेरे भाई, क्लास लेके देखो। आपका 1 से 2 आपका मैथ चलता है और 3 से 4 आपका रीजनिंग चलता है, पर डे क्लासेस होता है बैक टू बैक।
कुछ नहीं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला के दिखाया जाता है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा चैप्टर में नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से बाहर दिया जाएगा आप लोगों को। अगर मैं चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, सपोज करिए अगर सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए। पहले कॉन्सेप्ट, देन आपका क्वेश्चन सोल्यूशन। तो प्लीज अगर नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।